Hey guys, how are you all? Welcome to my channel. I'm Sagrika and I'm back with some new tips and tricks for you. So guys, बहुत सी ladies ने comment section में मुझसे पूछा था कि कैसे आप खुद के लिए time निकाल पाते हो, आप breastfeeding भी कर रहे हो और इसके साथ आप कैसे time निकाल पा रहे हो, हमें तो खाने और नहाने का भी मुश्किल से टाइम मिल पाता है, हम बीबी बहुत जल्दी क्रैंकी हो जाता है बिकॉज उसको भूख लग जाती है और आपकी प्रेजेंस ऑल टाइम होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसका सिर्फ एक आंसर है मेरे पास, वो है ब्रेस्ट पंप। यस लेडीज, आई एक्सप्रेस माई ब्रेस्ट मिल्क यूजिंग ब्रेस्ट पंप एंड स्टोर इट इन बॉटल, तो जिससे इतना आसान हो गई मेरी लाइफ में, खुद के लिए भी टाइम निकाल पा रही हूँ, मेरा बेबी भी अच्छे से मिल ले रहा है और बहुत ज्यादा मेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। क्योंकि सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम हम फेस करते हैं आफ्टर बीइंग अ मदर इज ब्रेस्ट फीडिंग, क्योंकि ऑल टाइम बैठे रहने से एक तो हमें बैक पेन की बहुत ज्यादा शिकायत हो जाती है, ऑलरेडी हम रिकवर हुए होते हैं डिलीवरी से और इतना झुक के ब्रेस्ट फीडिंग कराना हमारे लिए कई बार बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो मैं आपकी आज इस वीडियो में वो वाली प्रॉब्लम सॉल्व करने वाली हूँ, क्योंकि ब्रेस्ट पंप को लेकर बहुत सारे डाउट्स और मिथ्स हैं लोगों के मन में कि वो ब्रेस्ट पंप नहीं यूज करना चाहिए, उससे ये हो जाता है वो हो जाता है। तो सारे जो मिथ्स हैं, सारी जो आपके क्वेश्चंस है वो इस वीडियो में आपके सॉल्व कर दूंगी। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को, हाउ आई एक्सप्रेस माय ब्रेस्ट मिल्क यूजिंग ब्रेस्ट पंप एंड हाउ आई स्टोर इट। लेडीज, तो आज की इस वीडियो में मैं कवर करने वाली हूँ ब्रेस्ट पंप पे कुछ पॉइंट्स की। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग अ ब्रेस्ट पंप, फिर हमें ब्रेस्ट मिल्क जो हमने एक्सप्रेस किया है ब्रेस्ट पंप से उसका स्टोरेज कैसे करना है, उसके बाद हमें क्या क्या प्रिकॉशंस रखने हैं। कुछ कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, लेकिन अगर हम कुछ प्रिकॉशंस रखें, कुछ केयर करें तो डेफिनेटली हम उसको ओवरकम कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग अ ब्रेस्ट पंप। ओके लेडीज, सबसे इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है जिसकी वजह से मैं ब्रेस्ट पंप यूज करती हूँ वो ये है कि यू गेट टाइम फॉर योरसेल्फ। यस, जब हम हमारा ब्रेस्ट मिल्क पंप करके बॉटल में रख देते हैं तो उसमें हमें प्रेजेंट रहने की जरूरत नहीं होती। इवान की दादी, उसकी चाची या कोई भी इवान को दूध पिला सकता है, और एक ये भी तसल्ली रहती है कि बच्चे को ब्रेस्ट मिल्क ही मिल रहा है, तो आपको एक गिल्ट पंप वाली फीलिंग भी नहीं आती क्योंकि वो ब्रेस्ट मिल्क ही पी रहा है। और आपको खुद के लिए भी टाइम मिल जाता है जिसमें आप खुद के लिए कुछ थोड़ी बहुत आपकी हॉबी फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि मैं वीडियो बनाती हूँ, आप कुछ भी कर सकते हैं आपके फ्री टाइम में। तो एक दो घंटे का जब हमें टाइम मिल जाता है तो हम लोग बहुत अच्छा फील करते हैं, और दादी और दूसरे फैमिली मेंबर्स को भी ज्यादा टाइम स्पेंड करने को मिलता है बच्चों के साथ, और उनको भी मजा आता है बच्चों के साथ खेलने में, उसको दूध पिलाने में। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यू गेट टाइम फॉर योरसेल्फ। ओके गाइस, सो जो नेक्स्ट पॉइंट है जिसका मैं बहुत ज्यादा शिकार हुई थी इनिशियली जब मैं ब्रेस्ट पंप नहीं यूज कर रही थी, वो है बैक पेन। यस, डिलीवरी के बाद आपकी जो कमर है, कमर दर्द की शिकायत आई थिंक 80-90% महिलाओं को रहती ही है, और जब हमें उस कमर दर्द के साथ जब ब्रेस्ट फीड करना पड़ता है झुक के, इवन मैंने जो ब्रेस्ट फीडिंग पिलो है वो भी यूज किया, लेकिन स्टिल आई वॉज नॉट कम्फर्टेबल, मुझे बैक पेन हो ही रहा था, तो मैं बहुत ज्यादा परेशान हो जाती थी कि इनिशियली बच्चे जो है वो बहुत कम लैच कर पाते हैं मिल्क, और थोड़ा सा पीते हैं वो भी धीरे 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 आधी घंटे तक पीते ही रहते हैं, और उसके बाद जो है उसके बाद इतना ज्यादा बैक पेन हो जाता है बैठे बैठे, और ऑब्वियसली जब तक बच्चा अच्छे से फीड नहीं करता तब तक हमें सेटिस्फेक्शन भी नहीं मिल पाता है। तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि बच्चा अच्छे से फीड कर ले, तो फिर वो दो घंटे तक दूध नहीं मांगता, लेकिन फिर भी इनिशियली वो हमारी गलतफहमी होती है, वो थोड़ा सा मिल्क ही ले पाता है और फिर एक डेढ़ घंटे में फिर से वो भूखा हो जाता है। तो उससे फायदा क्या हो जाता है कि आपको बैक पेन की शिकायत नहीं होती अगर आप पंप करके रख लेते हैं मिल्क प्रॉपरली बॉटल में, तो आपको भी ज्यादा झुकना नहीं पड़ता और आपके लिए बहुत इजी हो जाता है। और ऑब्वियसली जब हम बाहर भी जाते हैं तो एवरी टाइम हम लोग नहीं ब्रेस्ट फीड करा पाते, तो बॉटल में होता है तो बहुत ज्यादा ईजी हो जाता है। तो बैक पेन की शिकायत अगर आपको है तो आप डेफिनेटली ब्रेस्ट पंप यूज कर सकते हैं, तो फिर आपको नो बैक पेन यूजिंग ब्रेस्ट पंप। ओके, सो जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि यू फील वेरी लाइट। यस, जब हम लोग ब्रेस्ट पंप से मिल्क एक्सप्रेस कर लेते हैं तो एक अलग सा हल्कापन हम लोग महसूस करते हैं, क्योंकि एक साथ हमारे ब्रेस्ट में से मिल्क निकल जाता है तो बहुत ही लाइट फील होता है, और ब्रेस्ट में दर्द नहीं होता, और बहुत मैं तो जब भी ब्रेस्ट पंप यूज करती हूँ उसके बाद मुझे काफी लाइट फील होता है, जब तक मैं पंप नहीं करती तो बहुत ज्यादा मिल्क इकट्ठा हो जाता है जिसकी वजह से मुझे बहुत पेन होता है, और मुझे बहुत भारी भारी और हैवीनेस फील होती है
से मैं थोड़ी चिड़चिड़ी भी हो जाती हूँ, तो ब्रेस्ट पंप यूज करने के बाद से मैं काफी लाइट फील और एक्टिव फील करने लग गई हूँ, तो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यू फील वेरी लाइट। ओके, सो जो नेक्स्ट एडवांटेज है वो है नो सोर ब्रेस्ट एंड नो एंगॉजमेंट। यस, लाइक मैंने बहुत सी लेडीज को ऐसा सुनते हुए देखा है कि लाइक उनके ब्रेस्ट पे बहुत ज्यादा पेन होता है क्योंकि बेबी जो है इनफ मिल्क नहीं लेता एक बार में, और उसकी वजह से क्या होता है ना, मिल्क इकट्ठा हो जाता है, बहुत ज्यादा दर्द होता है ब्रेस्ट में और एंगॉजमेंट हो जाती है, यानी कि ब्लड के क्लॉट्स बन जाते हैं, मिल्क इकट्ठा हो जाता है तो नील पड़ जाती है। तो ये प्रॉब्लम मैंने बहुत सारी लेडीज में देखी, एंगॉजमेंट हो जाता है और फिर उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है, जैसे पस भी पड़ सकता है, बहुत सारी आगे गठान वगैरह की प्रॉब्लम हो सकती है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ज्यादा सीरियस इश्यूज हो सकते हैं फ्यूचर में, तो जितना आप मिल्क अपना निकाल सकते हैं उतना आपकी बेटर रहेगा, आपकी हेल्थ के लिए आप उतने एक्टिव भी रहेंगे और आपकी हेल्थ जो है वो आगे भी अच्छी रहेगी, क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग से अच्छी मेडिसिन कोई नहीं है। जितना आप ब्रेस्ट मिल्क निकालेंगे उतने ज्यादा आप जल्दी रिकवर होंगे और उतना अच्छा फील करेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, नो सोर ब्रेस्ट एंड नो एंगॉज। ओके, सो जो नेक्स्ट पॉइंट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट, वो ये है कि इट इंक्रीजेस द मिल्क सप्लाई। यस, बहुत से डॉक्टर्स तो जिन लेडीज को कम मिल्क आता है तो रिकमेंड करते हैं कि आप ब्रेस्ट पंप यूज कीजिए, अगर हम जब जितना पंप करते हैं उतना हमारा सप्लाई बढ़ता है। आपने सुना होगा जितना डिमांड उतना सप्लाई, कई बार बच्चा अच्छे से लैच नहीं कर पाता तो इनिशियली जो मदर है उसको बहुत कम मिल्क आता है, और जब कम मिल्क आता है तो फिर बहुत ज्यादा हम लोग को प्रॉब्लम होती है आगे चल के, तो हमें फॉर्मूला मिल्क और ये सब देना पड़ता है। ट्रस्ट में, मुझे ये सब देने की जरूरत पड़ती ही नहीं है, लाइक मैं लाइक वंस इन अ डे इवान को फॉर्मूला दे रही हूँ, वो भी रात में, ताकि थोड़ा सा फॉर्मूला हैवी होता है तो अच्छे से सो जाता है, अदरवाइज मुझे वो देने की भी जरूरत नहीं है। क्योंकि आपका जब आप ब्रेस्ट पंप यूज करते हो तो मिल्क सप्लाई ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है, आपकी बॉडी जो है उस हिसाब से पूरी सेट हो जाती है, आप जितनी बार पंप करते हैं उतना जो है सप्लाई आपका आने लग जाता है। तो अगर आपको लो मिल्क सप्लाई की प्रॉब्लम है तो भी आप ब्रेस्ट पंप इजिली यूज कर सकते हैं, इसका आपका सप्लाई भी इससे बढ़ेगा और आपको ज्यादा मिल्क आएगा। ओके, सो जो नेक्स्ट पॉइंट है उसकी वजह से कई बार हमें थोड़ी शर्म भी आती है और शर्मिंदा भी होना पड़ता है, वो है लीकेज। यस, लीकेज ऐसी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हम कई बार बहुत ज्यादा एम्बैरेसिंग फील करते हैं इन पब्लिक प्लेसेस, अगर हम बाहर जा रहे हैं और हमारे ब्रेस्ट सडनली लीक होने लग जाए तो ये बहुत ज्यादा हमें थोड़ा अच्छा फील नहीं होता। भले हम ब्रेस्ट पैड्स यूज कर रहे हैं, मैं भी ब्रेस्ट पैड्स यूज करती हूँ, ब्रेस्ट पंप यूज करने के बाद भी मैं ब्रेस्ट पैड्स यूज करती हूँ, तो इसका सोल्यूशन एक ही है, ब्रेस्ट पंप। अगर आप अपना ब्रेस्ट मिल्क जो है वो पंप लेंगे तो लीकेज की प्रॉब्लम भी आपकी सॉल्व हो जाएगी। ट्रस्ट मी, मेरी लीकेज की प्रॉब्लम बिल्कुल खत्म हो गई। मैं फिर भी फॉर सेफर साइड आई यूज ब्रेस्ट पैड्स लव लैब की, उसकी लिंक मैं आपको शेयर करूंगी, मैं ब्रेस्ट पैड्स भी यूज कर रही हूं, बट स्टिल लाइक लीकेज जो है ये बहुत बड़ा इशू है हमारे लिए आफ्टर बीइंग अ मदर। तो अगर आप ब्रेस्ट मिल्क को जो पंप कर लेंगे पूरा अच्छे से तो 3-4 घंटे के लिए आपको कोई भी लीकेज नहीं होता है और आप बहुत लाइट फील करते हैं, तो ये लीकेज वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाती है, आपके कपड़े भी गंदे नहीं होते हैं और आपको कहीं शर्मिंदा होने की भी जरूरत नहीं पड़ती। तो नो लीकेज इफ यू यूज ब्रेस्ट पंप। So, जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो बहुत ही बड़ा है, बिकॉज मदर सेटिस्फेक्शन। यस, एक मैंने देखा है, क्योंकि ब्रेस्ट जब फीड करता है बच्चा तब हमें पता नहीं लगता कि बच्चे ने कितना दूध पिया है और वो कितनी देर तक उसका पेट भरा रहेगा, तो उसमें हमें एक सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। लेकिन जब हम बॉटल से बच्चे को दूध देते हैं और अपना ब्रेस्ट मिल्क देते हैं तब हमें पता लग जाता है कि बच्चे ने कितना मिल्क पिया हुआ है, तो एक सेटिस्फेक्शन मिलता है कि हाँ बच्चे ने इतना दूध पी लिया है तो अब हमें थोड़े 1-2 घंटे की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जब ब्रेस्ट मिल्क से पीता है तो बच्चा बहुत टाइम तो खेलता रहता है, इधर उधर मुंह करता रहता है, उछलता कूदता रहता है, तो आधे टाइम तो वो पीता है, आधे टाइम मस्तियां करता रहता है, आधे टाइम आपसे बातें करता रहता है, आपको देखता रहता है, तो उसमें आपको पता नहीं चलता कि बच्चे ने कितना फीड किया है और आप भी बैठे बैठे थक जाते हैं। लेकिन जब हम बॉटल में अपना ब्रेस्ट मिल्क पंप कर देते हैं तो वो लेवल्स के हिसाब से हम चेक कर सकते हैं कि बच्चे ने कितना दूध पिया है और हम सेटिस्फाई हो सकते हैं। क्योंकि एज अ मदर सेटिस्फेक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमारे बच्चे ने कितना मिल्क लिया है। तो ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ब्रेस्ट पंप करने के बाद जो एक सेटिस्फेक्शन मिलता है कि बच्चे ने इतना दूध पी लिया है, तो इट गिव्स मी इमेंस सेटिस्फेक्शन। नेक्स्ट एडवांटेज
एडवांटेज है ब्रेस्ट पंप यूज करने का वो ये है कि ये आपको ब्रेस्ट कैंसर से बचाता है। ऐसा कहा जाता है कि जितना ब्रेस्ट में निकलता है उतनी जो आपके ब्रेस्ट में वो गांठ होने की चांसेस वो कम हो जाती है, लम्स नहीं बनते, तो उससे आपको ब्रेस्ट कैंसर की भी जो डर है वो खत्म हो जाता है। तो ब्रेस्ट पंप यूज करना इज अ वेरी गुड प्रिकॉशन ऑफ नॉट हैविंग अ ब्रेस्ट कैंसर। तो आप जो है ब्रेस्ट पंप यूज करिए, ज्यादा से ज्यादा मिल्क एक्सप्रेस कीजिए और खुद को ब्रेस्ट कैंसर से भी आप बचा सकते हैं। ओके, सो जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि ब्रेस्ट कैंसर के अलावा ये जो है ये आपको डायबिटीज, थायराइड, ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियों से भी बचाता है। यू नो, जितना आप एक्सप्रेस करेंगे मिल्क उतना जो है आपका वेट कम होगा, और आपका वेट कम होगा उससे आपकी सारी बीमारियों के जो चांसेस है वो कम हो सकते हैं। ऐसा देखा गया है कि जो लेडीज जो है वो ब्रेस्ट फीड नहीं कराती वो थायराइड, डायबिटीज और ब्लड प्रेशर का शिकायत ज्यादा होती है। ये मैं खुद के सर्वे से नहीं है, मैं पूरा रिसर्च और पूरी जो मैंने रीड किया है उसके हिसाब से मैं आपको बता रही हूं। तो जितना ब्रेस्ट फीड करेंगे उतना आप सारी बीमारियों से अपने आप को बचाएंगे, और आपका बॉडी वेट भी जो है वो उतना तेजी से घटेगा। जितना आपका मिल्क निकलेगा उतना आपका बॉडी वेट जो है वो जल्दी से कम हो जाएगा। और ये भी एक एडवांटेज है, यू लूज लॉट ऑफ वेट। तो इवान भी कह रहा है यू विल लूज लॉट ऑफ वेट। तो ज्यादा से ज्यादा जो है आप ब्रेस्ट फीड कराइए बेबी को। ओके गाइस, जो नेक्स्ट एडवांटेज है ब्रेस्ट पंप यूज करने का वो ये है, आपके लिए ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा आसान हो जाती है। ऑब्वियसली पहले का जमाना थोड़ा अलग था, जो मदर्स होती थी वो कहीं पर भी दूध पिला लेती थी, बट हम लोगों के लिए थोड़ा सा इम्प्रैक्टिकल और हम लोग थोड़े से एम्बेरस हो जाते हैं और कहीं भी हम दूध नहीं पिला पाते। बच्चों को भले ही कवर होता है बट स्टिल थोड़ा सा एम्बेरसिंग फील होता है बाहर बच्चों को ऐसे दूध पिलाना। इतने कंफर्टेबल मैं तो नहीं हूं, मैं अपना बता रही हूं कि मैं इतनी कंफर्टेबल नहीं हूं पब्लिक प्लेसेस में इतना अच्छे से मिल्क फीड कराना। तो ये ट्रैवलिंग के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है, आप कहीं जाएंगे 3-4 घंटे के लिए अच्छे से आप कहीं घूम फिर सकते हैं और आप पंप कर लीजिए 1-2 बॉटल। अच्छा, अगर मौसम ठंडा है तो लाइक इजीली आप उसको रख सकते हैं, कोई आपको फ्रीजर या रेफ्रिजरेटर की भी जरूरत नहीं है, आप उसको कहीं भी स्टोर कर सकते हैं। और अगर मौसम गर्म है तो आप लाइक कोई भी लाइक वो थर्माकोल के आते हैं बर्फ वगैरह डाल के प्रॉपरली उसको स्टोर कर लीजिए, तो आपके लिए ट्रैवलिंग बहुत ईजी हो जाती है। तो 2-3 बॉटल आप पंप करके एडवांस में रख लीजिए और आप इजीली ट्रैवल कर सकते हैं। तो ब्रेस्ट पंप जो है ये बहुत ही बड़ा वरदान है मेरे लिए, तो मैं इजीली और कंफर्टेबली जो है वो ट्रैवल कर पा रही हूँ, कहीं जा पा रही हूँ 3-4 घंटे के लिए फैमिली आउटिंग या पिकनिक के लिए कभी हम लोग का प्लान होता है तो, और बच्चा भी खुश रहता है। नेक्स्ट जो मैं आपको बताने वाली हूँ कि मैं कौन सी कंपनी का ब्रेस्ट पंप यूज कर रही हूँ, तो मैं सीगा ब्रांड का मैनुअल ब्रेस्ट पंप यूज कर रही हूँ। मैं इलेक्ट्रिक ब्रेस्ट पंप नहीं यूज कर रही हूँ, बीच में मेरे मन में थॉट आया था इलेक्ट्रिक ब्रेस्ट पंप यूज करने का, लेकिन उसमें क्या होता है कि आप जो प्रेशर है वो कई बार ज्यादा हो जाता है तो थोड़ी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसको आप अपने हिसाब से पंप कर सकते हैं, और हार्डली आई एम टेलिंग यू 15 और मैक्सिमम 20 मिनट से पूरी बॉटल फिल हो जाती है। तो मुझे बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ रही है इलेक्ट्रिक ब्रेस्ट पंप यूज करने की, और मैं प्रिफर भी नहीं कर रही हूँ। मैनुअल ब्रेस्ट पंप बहुत मेरे लिए अच्छा काम कर रहा है, मुझे ऑलमोस्ट 4 मंथ्स हो गए यूज करते करते और अभी तक मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। प्रॉपर प्रिकॉशंस और अच्छे से अगर हम यूज करते हैं तो मुझे नहीं लगता मैनुअल ब्रेस्ट पंप में कोई प्रॉब्लम आती है। मैंने बहुत सारे इलेक्ट्रिक ब्रेस्ट पंप देखे थे बट पता नहीं मेरा मन जो है वो गवारा नहीं किया कि मैं इलेक्ट्रिक ब्रेस्ट पंप यूज करूं। मुझे मैनुअली करना ही ज्यादा कंफर्टेबल और बेटर लग रहा था, और 15 मिनट्स में पूरी बॉटल फिल हो जाती है और 3-4 घंटे के लिए फ्री हो जाते हो, क्योंकि बच्चा जो है 4 घंटे में 150 ml तक ही मिल्क पीता है। तो मुझे नहीं जरूरत लग रही है इलेक्ट्रिक ब्रेस्ट पंप की, इसकी लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगी। ये बहुत अच्छा ब्रेस्ट पंप है, इसका सक्शन भी बहुत अच्छा है, मेरे लिए बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो ये सीगा का आप यूज कर सकते हैं। ये कोई लाइक मेरा ये पूरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मतलब मैंने और भी दूसरे ट्राई किए थे लेकिन मुझे इतना मजा नहीं आया, लेकिन मुझे ये सीगा ब्रांड का बहुत अच्छा लगा तो मैं ये वाला यूज करती हूँ। तो इसका लिंक मैं आपको शेयर करूंगी, आप इजिली अमेजोन से बाय कर सकते हैं। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ कि अब हमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं लाइक जब हम ब्रेस्ट पंप यूज करते हैं, उसके बाद हम स्टोरेज कैसे कर सकते हैं। लेकिन उसके पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि मैं आपसे डिस्कस करने चाह रही थी बहुत टाइम से,
कि क्या हमें बच्चों को मोबाइल दिखाना चाहिए या नहीं, और अगर हमारा बच्चा छोटा है और अगर हम उसके सामने मोबाइल यूज कर रहे हैं तो क्या वो सही है, तो उसका आंसर ऑब्वियसली बिल्कुल नहीं नहीं नहीं। छोटे बच्चों को तो स्क्रीन बिल्कुल ही नहीं दिखानी चाहिए। बच्चों को स्क्रीन दिखाना आपको 2.5 ईयर के बाद ही शुरू करना चाहिए, वो भी सिर्फ 1 घंटे के लिए, क्योंकि मोबाइल की जो रेडिएशन होती है वो बहुत ज्यादा हार्मफुल होती है। बच्चों को दिखाना छोड़िए, आपको भी कम से कम मोबाइल यूज करना चाहिए बच्चों के सामने, क्योंकि जो हार्मफुल रेडिएशन निकलती है वो बच्चों के डेवलपमेंट में थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। तो जितना हो सके अपने बच्चों को मोबाइल से दूर रखें, और स्पेशली न्यूबॉर्न बेबी है, छोटी सी एज है, और उसके लिए हम बहुत ज्यादा कंसर्न हो जाते हैं कि हम मोबाइल कहाँ रखें, क्योंकि मोबाइल जो है हमारी लाइफ के पार्ट बन चुके हैं, हम उसको ज्यादा देर तक अपने से दूर नहीं रख सकते। जैसे मैं भी यूट्यूब वीडियोस बनाती हूँ, मुझे भी अपने सब्सक्राइबर्स, मेरे व्यूज, एवरी टाइम मुझे चेक करने की क्यूरियोसिटी होती ही रहती है। तो मोबाइल दूर रखना कई बार थोड़ा सा इम्प्रैक्टिकल हो जाता है, तो लेकिन उसके लिए अब मेरे पास आपके लिए सोल्यूशन है, वो है एनवायरो चिप रेडिएशन प्रोटेक्शन फॉर मोबाइल फोन, योर सेफ गार्ड अगेंस्ट हार्मफुल रेडिएशन। तो गाइज ये है हार्मफुल रेडिएशन से प्रोटेक्शन आपके लिए और आपकी बेबी के लिए। आपकी प्रॉब्लम जो है बिल्कुल सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि आप अपने मोबाइल के पीछे आप इस चिप को अटैच कर सकते हैं और खुद को मोबाइल की हार्मफुल रेडिएशन से बचा सकते हैं। तो आप देख सकते हो कि कितनी छोटी सी चिप है, इसको मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आपको अटैच करना है अपने मोबाइल के पीछे। इट्स एन टेस्टेड एंड सर्टिफाइड बाय मैक्स हेल्थ केयर इंडिया, डीबी टेक्नोलॉजी लैब, कैम्ब्रिज यूके, सिंगापुर ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल, एंड रिजल्ट्स आर पब्लिश्ड इन जर्नल ऑफ बायोमेडिकल साइंस एंड इंजीनियरिंग यूएसए, MIT's टेक्नोलॉजी रिव्यू। सो मैं आपको बता देती हूँ इसके क्या क्या फायदे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ऑब्वियसली मोबाइल की जो हार्मफुल रेडिएशन है उससे आपको और आपके बेबी को बचाता है, और साथ ही ये रिस्क नहीं देता आपके हार्ट को। उसके बाद आपकी इम्यूनिटी जो है वो बहुत लो हो जाती है हार्मफुल रेडिएशन से, तो उससे आपको प्रोटेक्ट करता है। तो रिप्रोडक्टिव इश्यूज आ जाते हैं मेल और फीमेल में हार्मफुल रेडिएशन से। रिस्क टू चिल्ड्रंस डेवलपमेंट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है मदर्स के लिए, कि आपके बच्चे की डेवलपमेंट में ये जो है ये बाधा डालता है मोबाइल के जो रेडिएशन है। तो अगर आप एनवायरोचिप अपने मोबाइल के पीछे अटैच करते हैं तो आप खुद को और अपने बच्चे को बचा सकते हैं मोबाइल की हानिकारक किरणों से। यस, और उसके अलावा मैं आपको बता दूं, इसके अलावा मैं आपको इसकी लिंक और सब कुछ शेयर कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में, कि कैसे एनवायरोचिप जो है वो काम करता है, कैसे आपको इसको यूज करना है। उसके अलावा मेनी मोबाइल मैनुअल स्टेट फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस, मतलब ये इंस्ट्रक्शंस पे लिख रखे हैं, कीप द डिवाइस 5 to 15 mm अवे फ्रॉम द बॉडी। ऑफकोर्स हमें बॉडी से थोड़ा दूर रखना चाहिए मोबाइल, ये तो हम सभी को पता ही है ऑब्वियसली। यूज वायर्ड ईयरफोन मेकिंग द कॉल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमें जो है वो वायरलेस नहीं वायर्ड ईयरफोन यूज करना चाहिए। आजकल वायरलेस का जमाना है, लेकिन वायर्ड ईयरफोन ज्यादा अच्छे होते हैं। आप डायरेक्ट फोन पे बात मत कीजिए, वैसे तो कम से कम ही फोन पे बात करना चाहिए, टेक्स्ट यूज करना चाहिए, व्हाट्सएप यूज करना चाहिए, लेकिन आप अगर फिर भी आपकी मजबूरी है मोबाइल पे बात करना, तो वायर्ड ईयरफोन आपको यूज करना चाहिए। और आपकी कॉल जो है जितनी से जितनी छोटी आप रखेंगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए, आपकी परिवार के लिए, आपकी बेबी के लिए, और ज्यादा से ज्यादा मैसेजेस का यूज करिए। ओके गाइस, सो आप देख सकते हो कितनी छोटी सी ये चिप है जो कि इजीली आपके मोबाइल के पीछे अटैच हो जाती है और आपको सारी हार्मफुल रेडिएशन से बचाती है। इसके पीछे स्टिकर दिया हुआ है जो कि आपको रिमूव करना है, और इजीली आप इसको अपने मोबाइल के पीछे अटैच कर सकते हो। और बेबी के लिए बहुत हार्मफुल होती है रेडिएशन, और बेबी की सेफ्टी पहले आती है, तो थैंक गॉड कि अब एनवायरो चिप है। तो आइए इसका डेमो देखते हैं कि कैसे आपको इसको मोबाइल के पीछे अटैच करना है। तो ये जो स्टिकर दिया है इसको आपको इस तरीके से रिमूव करना है, देन आपको अपना मोबाइल का बैक साइड लेना है और इसको अटैच कर देना है। तो ये जो एनवायरो चिप है ये जो रिड्यूस नहीं करती है रेडिएशन, बट नेचर चेंज कर देती है, जिससे ये आपके बेबी को हार्म नहीं करती और उसके डेवलपमेंट में कोई भी इशू नहीं आता। तो इस तरीके से ये छोटी सी चिप है जिसके जो बुरी भी नहीं दिखती और बहुत ज़्यादा अच्छा काम करती है मोबाइल के लिए, जो कि रेडिएशन से हमें बचाती है। तो इस तरीके से आपको अटैच करना है और खुद को और बेबी को हार्मफुल रेडिएशन से बचाना है। ओके गाइस, तो सबसे पहले मैं डिस्कस करना चाहूंगी कि क्या
एडवर्स इफेक्ट हो सकते हैं बेबी पर, मोबाइल के और जो भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आपके आसपास रहते हैं उसके क्या एडवर्स इफेक्ट हो सकते हैं आपके बेबी पर। सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो है बेबी की स्लीप। तो जो हार्मफुल रेडिएशन होते हैं उससे आपकी बेबी की स्लीप जो है वो डिस्टर्ब और पुअर हो सकती है। उसके बाद ये बेबी की इम्यूनिटी को लो कर सकता है। उसके बाद ये बेबी में अनइजीनेस और इरिटेशन कॉज कर सकता है। बेबी के ब्रेन डेवलपमेंट में जो है ये बाधा डाल सकता है। उसके अलावा इसके कैंसरस इफेक्ट भी है। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि एनवायरोचिप आपको कैसे हेल्प करता है आपकी बेबी की डेवलपमेंट के लिए। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एनवायरोचिप जो है वो एकदम ही सेफ है बच्चों के अराउंड यूज करने के लिए। सो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, इट्स वेरी सेफ टू यूज अराउंड बेबी। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑब्वियसली यही है कि आपकी बेबी को यह हार्मफुल रेडिएशन से प्रोटेक्ट करता है। थर्ड पॉइंट ये है कि ये जल्दी से डैमेज नहीं होता जब तक इसको कोई फिजिकल प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट ये है कि ये क्लिनिकली टेस्टेड है कि ये आपके बेबी के लिए बिल्कुल सेफ है, इट्स वेरी सेफ फॉर योर बेबी। एंड जो लास्ट पॉइंट है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जो एनवायरोचिप है वो रेडिएशन को रिड्यूस नहीं करता बल्कि उसका जो नेचर है उसको चेंज कर देता है, जिससे वो आपको और आपकी बेबी को बिल्कुल हार्म नहीं करता। तो इट्स कंप्लीटली सेफ टू यूज फॉर बेबी। यू कैन ऑर्डर इट ऑन Amazon और बहुत इजीली अवेलेबल है Amazon। मैं थोड़ी सी कंसर्न थी अपने मोबाइल यूसेज को लेकर, लेकिन जब से मैंने इसको अपने मोबाइल पे लगाया है मैं बहुत ज्यादा टेंशन फ्री हो गई हूँ, क्योंकि ये बेबी के लिए बिल्कुल सेफ है। तो बेबी की जो सेफ्टी है वो सबसे फर्स्ट आती है। तो आप भी किस बात की देरी कर रहे हैं, आप जल्दी से ऑर्डर कर दीजिए एनवायरोचिप और अपने आप को हार्मफुल रेडिएशन से बचाइए। तो साथ ही एक बहुत अच्छी गुड न्यूज ये है कि जो एनवायरोचिप्स हैं वो आपके लैपटॉप के लिए, आपके बेबी मॉनिटर्स के लिए, आपके स्मार्ट टीवीज के लिए और साथ ही आपके डेस्कटॉप के लिए भी अवेलेबल है। तो आप इजीली जो है वो ऑर्डर कर सकते हैं आपको जिस चीज के लिए भी रिक्वायर्ड एनवायरोचिप, और खुद को और अपने बच्चे को जो है वो हार्मफुल रेडिएशन के एडवर्स इफेक्ट से बचाइए और जल्दी से इस चिप को ऑर्डर कर दीजिए। ओके गाइस, तो फिर से आते हैं आफ्टर डिस्कसिंग दिस एडवर्स इफेक्ट ऑफ मोबाइल रेडिएशन, क्योंकि पूरी दुनिया जो है मोबाइल के पीछे पागल हो चुकी है, तो ये बताना बहुत ज्यादा जरूरी था। मैं सारी लिंक शेयर कर दूंगी आपको एनवायरोचिप की, तो आप जल्दी से बाय कर लीजिएगा। ओके, सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि हम ब्रेस्टपम्प को लेकर डिस्कस कर रहे थे वो ये है कि ब्रेस्टपम्प यूज करने के पहले हमें क्या क्या प्रिकॉशन रखने हैं। ऐसे कोई हैवी प्रिकॉशंस नहीं है जिससे आपको घबराने की जरूरत पड़ेगी, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। बहुत ईजी है ब्रेस्टपम्प यूज करना, मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। तो सबसे पहले जो है वो ये है, आप बिल्कुल उसको प्रॉपरली स्टरलाइज और क्लीन करिए। सो स्टरलाइज एंड क्लीन योर ब्रेस्ट पम्प ऑन रेगुलर बेसिस। ऑब्वियसली बच्चे की हर चीज में हाइजीन मेंटेन करना जरूरी है, तो इसमें क्यों नहीं। तो स्टरलाइज कीजिए अपने ब्रेस्ट पंप को, पहले आप रीड कर लीजिए कि आपका जो ब्रेस्ट पंप है वो स्टरलाइजर फ्रेंडली है या नहीं, या फिर आपको बॉइलिंग वाटर में इसको करना है। तो इंस्ट्रक्शंस जो है वो हर ब्रेस्ट पंप पे लिखे होते हैं, जैसे कि सीगा का है, आपको बॉइलिंग वाटर में ही, रनिंग बॉइलिंग वाटर में ही आपको 3 to 5 minutes तक धोना है, ये स्टरलाइजर फ्रेंडली नहीं है। उसके अलावा कुछ और भी मेरे पास ब्रेस्ट पंप है जो कि स्टरलाइजर में मैं इजीली रख देती हूं, तो आपको ये थोड़े से इंस्ट्रक्शंस रीड करने पड़ेंगे और प्रॉपरली हाइजीन मेंटेन करना है आपको ब्रेस्ट पंप का। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है, आपको हर घंटे जो है वो ब्रेस्ट पंप यूज नहीं करना है, आपको 4 to 5 hours में ही यूज करना है। अगर आप ज्यादा ब्रेस्ट पंप यूज करेंगे तो आप खुद को बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट कर सकते हैं और आपकी हेल्थ पे असर पड़ सकता है। आपको ओवर यूसेज नहीं करना है ब्रेस्ट पंप का। मैं एवरी 4 hours में ब्रेस्ट पंप यूज करती हूँ और 150 ml की बॉटल जो है वो फिल कर लेती हूँ, तो मुझे प्रॉब्लम नहीं आता। अगर वो कम पड़ता है तो मैं डायरेक्ट ब्रेस्ट फीड भी कराती हूँ बेबी को। ऐसा नहीं है मैं टोटली नो कर देना है ब्रेस्ट फीड को, मैं ब्रेस्ट फीड भी कराती हूँ। इवन ओवरनाइट तो मैं बेबी को ब्रेस्ट फीड ही कराती हूँ, क्योंकि बॉटल देना बहुत ज्यादा टेंशन हो जाता है रात में, तो जस्ट बेबी को पास में लिया और ब्रेस्ट फीड कराया और वापस सो जाता है। तो जो रात में है बेबी को बॉटल नहीं देती हूँ मैं, ब्रेस्ट पंप यूज कर रही हूँ एवरी 4 hours। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, खुद को ज्यादा एग्जॉस्ट मत कीजिए और ब्रेस्ट पंप जो है वो एवरी 4 to 5 hours में यूज कीजिए और बॉटल फिल कीजिए। अगर ज्यादा यूज करेंगे तो आप काफी ज्यादा एग्जॉस्ट हो सकते हैं और आपको इसके एडवर्स इफेक्ट भी फेस करने पड़ सकते हैं। ब्रेस्ट पंप जो है वो जादू नहीं है, आपको हेल्दी फूड भी खाना है। अगर आप ब्रेस्ट पंप कर रहे हैं तो आपको प्रॉपर आपके जो काजू बादाम और जितने भी ड्राई फ्रूट्स आप लीजिए, दूध दलिया खाइए, तो ही आपका जो मिल्क सप्लाई बढ़ेगा। ब्रेस्ट पंप कोई जादू नहीं है, डेफिनेटली वो आपके मिल्क सप्लाई को बूस्ट करने में हेल्प करता है, लेकिन आपका
प्रॉपर खाना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो क्योंकि खाना जो आप खाते हैं वही आपके बेबी को जाता है, तो अल्टीमेटली ऐसा मत सोचिएगा कि ब्रेस्ट पंप है तो आपका मिल्क सप्लाई बढ़ गया है तो आपको ज्यादा कुछ खाने की जरूरत नहीं। आप डाइटिंग मत शुरू कर दीजिएगा, आपको हेल्दी फूड खाना है, प्रॉपरली खाना है, क्योंकि आप पंप कर रहे हैं तो आप ज्यादा मिल्क निकाल रहे हैं अपनी बॉडी से, आप ज्यादा जो अपने आपको डिहाइड्रेट कर रहे हैं, तो आपको अच्छे से खाना भी है। ओके, सो जो नेक्स्ट पॉइंट है, कीप योरसेल्फ हाइड्रेटेड। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि ब्रेस्ट पंप से जो मिल्क है वो बहुत ज्यादा निकल जाता है और हमारे पानी की कमी हो सकती है हमारे शरीर में, तो आपको ब्रेस्ट पंप करते करते पानी पीते रहना है। लाइक मैं जब भी ब्रेस्ट पंप यूज करती हूँ मेरे पास बॉटल रहती है, मैं पानी पीती जाती हूँ और ब्रेस्ट पंप, और उससे क्या होता है मिल्क भी अच्छे से निकलता है और आप भी जो है वो डिहाइड्रेट नहीं होते। तो खुद को डिहाइड्रेट मत करिए और ब्रेस्ट पंप यूज करते करते पानी पीते दीजिए, हाइड्रेटेड रहना बहुत जरूरी है। और वैसे भी अगर आप फीड भी कर रहे हैं तो आपको हाइड्रेटेड रहना बहुत जरूरी है, तो कीप योरसेल्फ हाइड्रेटेड, खूब सारा पानी पीजिए, ये आपके लिए भी अच्छा रहेगा, आपके बेबी के लिए भी अच्छा रहेगा। है यूज ब्रेस्ट पैड्स। मैंने आपको कहा है कि जो ब्रेस्ट पंप है वो लीकेज में आपको प्रोटेक्ट करता है, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप ब्रेस्ट पैड्स यूज करना बंद कर दें। ब्रेस्ट पैड यूज करना बहुत जरूरी है क्योंकि थोड़ा सा मिल्क फिर भी लीक हो सकता है, आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है उससे। तो ब्रेस्ट पंप यूज करने के बाद भी आपको ब्रेस्ट पैड यूज करना है। मैं कौन से ब्रेस्ट पैड यूज कर रही हूँ मैं आपको शेयर कर दूंगी। मैं लवलैब के ब्रेस्ट पैड यूज कर रही हूँ, मुझे काफी अच्छे से वो सूट कर रहे हैं और बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है उसका। तो आप जो लवलैब के ब्रेस्ट पैड है वो आप भी बाय कर सकते हैं Amazon से, या जो भी आपको सूट करता है वो आप बाय कीजिए। और ब्रेस्ट पैड यूज करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम यूज करने का वो ये है कि यू गेट प्रॉपर स्लीप। यस, जब 2-3 घंटे का हमें फ्री टाइम मिल जाता है तो कई बार हम रात में नहीं सो पाते, रात में बच्चा जगता है, तो 2-3 घंटे जब हम ब्रेस्ट पंप करके रख देते हैं अपने मिल्क को एक्सप्रेस करके, तो कोई भी उसे पिला देता है, आप 2 घंटे की नींद सुकून की और आराम से ले सकते हैं बिना टेंशन के कि आपके बेबी को आपको फीड नहीं करना। थ्रू आउट द माइंड यही चलता रहता है, हमें बेबी को फीड करना है, प्रॉपरली दिन में भी नहीं सो पाते और रात में तो नींद हमारी हो ही नहीं पाती क्योंकि बेबी की जो स्लीप पैटर्न है वो बनने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो ब्रेस्ट पंप का एक बहुत बड़ा एडवांटेज यही है कि यू गेट प्रॉपर स्लीप। ओके गाइस, तो अब जो इम्पोर्टेंट नेक्स्ट पॉइंट मैं डिस्कस करने वाली हूँ वो बहुत, आई नो आप बहुत ज्यादा डेस्परेटली वेट करेंगे इसका, कि कैसे हमें स्टोरेज करना है ब्रेस्ट मिल्क का जब हम पंप करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं, जब हम फ्रेशली एक्सप्रेस मिल्क जो होता है वो सीजन पर डिपेंड करता है। गर्मी में इसका स्टोरेज अलग रहेगा, ठंड में अलग रहेगा, बारिश में अलग रहेगा। लाइक ऑब्वियसली जब ठंडा मौसम है तो इसको आप 6 आवर्स तक, जो जैसे अभी ठंड आने वाली है, 6 आवर्स तक आप रूम टेम्परेचर पे अपने ब्रेस्ट मिल्क को इजीली रख सकते हैं, वो खराब नहीं होगा। उसके अलावा अगर जैसे कि अभी जैसे ये जुलाई से लेके जो ये अक्टूबर का टाइम है, इसमें आप 4 आवर्स तक रख सकते हैं क्योंकि इसमें ना ज्यादा गर्मी होती है ना ज्यादा ठंडी, तो 4 आवर्स तक आप रूम टेम्परेचर में रख सकते हैं और बेबी को पिला सकते हैं। और अगर गर्मी है बहुत ज्यादा तो मैक्सिमम आपको 2 आवर्स तक ही वो मिल्क रख सकते हैं क्योंकि गर्मियों में चीजें बहुत जल्दी खराब हो जाती हैं। तो ये जो है ये सीजन वाइज डिपेंड करेगा। तो गर्मी में आप रूम टेम्परेचर में 2 घंटे तक रख सकते हैं, उसके बाद हम जब स्प्रिंग आता है उसमें आप 4 आवर्स तक रख सकते हैं और ठंड में आप 6 आवर्स तक ब्रेस्ट मिल्क को रख सकते हैं। और ज्यादा अच्छा ऑप्शन आप देखना चाहते हैं तो आप जो है ओवरनाइट जो रेफ्रिजरेटर पे है वो 6 दिन तक ब्रेस्ट मिल्क को रख सकते हैं। 6 दिन तक जो है ब्रेस्ट मिल्क को रेफ्रिजरेटर में खराब नहीं होता। और अगर फिर भी और ज्यादा आप उसको स्टोर करना चाहते हैं तो फ्रीजर में आप उसको 6 महीने तक रख सकते हैं और लाइक इसको 1 साल तक भी यूज किया जा सकता है। आप देख सकते हैं बहुत सारे ब्रेस्ट मिल्क के बैंक भी बन गए आजकल क्योंकि वो डीप फ्रीजर में इसको स्टोर कर सकते हैं और उसको आप रख सकते हैं। लेकिन अभी मैं इतना ज्यादा स्टोर नहीं कर रही हूँ, मैं डेली बेसिस पे ये फ्रेश मिल्क एक्सप्रेस करके ही अपने बेबी को देती हूँ। मैं एडवांस में कोई स्टोर नहीं कर रही हूँ, मुझे उसकी नीड नहीं लग रही क्योंकि आगे के लिए स्टोर करने की जरूरत नहीं है, तो मैं उसको नहीं कर रही हूँ स्टोर। लेकिन मैं आपको बता दूं, फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ कि रूम टेम्परेचर पे इन लाइक समर्स फॉर 2 आवर्स, इन स्प्रिंग फॉर 4 आवर्स, एंड इन विंटर्स फॉर 6 आवर्स इन रूम टेम्परेचर। उसके बाद अगर आप रेफ्रिजरेटर में रख रहे हैं तो फॉर 6 डेज यू कैन प्रिजर्व योर ब्रेस्ट मिल्क, एक्सप्रेस ब्रेस्ट मिल्क। और अगर आप 6 मंथ्स या मोर देन दैट उसको करना चाहते हैं तो आप उस पर डेट लिख दीजिए आपके स्टोरेज बैग पे कि आपने इसको कब निकाला है और आप उसको 6 मंथ्स या 1 साल तक भी वो एक्सेप्टेबल होता है ऐसा बोलते हैं। बट इतना पुराना मिल्क देना मैं प्रेफर नहीं करूंगी कभी भी ऑब्वियसली, लेकिन फिर भी मैंने जितना रीड किया अपनी नॉलेज के हिसाब से 1 साल और 6 महीने तक आप इसको डीप फ्रीजर में भी स्टोर कर सकते हैं अगर आप उसकी डेट लिख दें प्रॉपरली और उसको स्टोरेज बैग में, इसकी प्रॉपरली स्टोरेज बैग आते हैं, इसमें अगर आप चाहें तो इसको स्टोर कर सकते हैं।
ओके तो मैं आपको बता दूं कि मेरा स्केड्यूल कैसा रहता है ब्रेस्ट पम्प का। तो सबसे पहले मैं आपको रात से स्टार्ट करती हूँ। मैं 12:30 को, क्योंकि मैं रात को अपने बेबी को एक बार फॉर्मूला मिल्क देती हूँ, तो मैं रात को उसको फॉर्मूला मिल्क देके सुला देती हूँ। उसके बाद रात में मैं 12-12:30 बजे अपना ब्रेस्ट मिल्क जो है वो एक्सप्रेस करके फ्रिज में रख देती हूँ, यानी कि रेफ्रिजरेटर में। और जब मैं सुबह मेरा बेबी 8 बजे उठ जाता है, तब मेरी नींद पूरी ऑब्वियसली नहीं हो पाती है, तो मैं सो जाती हूँ, अपने बेबी को नीचे दे देती हूँ और मेरी मदर इन लॉ जो है वो उसको फ्रिज में से निकालती है। और वार्म वाटर में, कभी भी ब्रेस्ट मिल्क को आपको डायरेक्टली किसी भी यूटेंसिल में डाल के गर्म नहीं करना है, आपको पानी लेना है, उसमें गर्म पानी डालकर उसको बॉयल करना है, उसमें आपको बॉटल रखनी है, आपको मिल्क नहीं डालना है किसी यूटेंसिल में। और मेरी मदर इन लॉ जो है वो बॉटल को बाहर से गर्म कर लेती है, देन मिल्क को चेक करती है कि वो ज्यादा ठंडा तो नहीं है, वो रूम टेम्परेचर पे आ गया या नहीं। और उसके बाद जो है मेरी एब्सेंस में, जब मैं सोती रहती हूँ सुबह, मैं थोड़ा लेट उठती हूँ बिकॉज आई एम नॉट अ अर्ली मॉर्निंग पर्सन, रात में भी नींद नहीं पूरी हो पाती, तो 11 o'clock तक वो इजिली उसको रख लेती है मेरे बेबी को, और मिल्क का भी प्रॉब्लम नहीं आता, वो इजिली उसको गर्म करके पिला देती है। और 11 बजे तक मेरी भी 2-3 घंटे की अच्छी नींद हो जाती है। तो उसके अलावा, उसके बाद जैसे ही मैं उठती हूँ 11 बजे, तो ऑब्वियसली जब मॉर्निंग होती है तो आपका मिल्क सप्लाई बहुत ज्यादा अच्छा होता है, तो फिर मैं अपना ब्रेस्ट मिल्क उठते से सबसे पहले पंप कर लेती हूँ और बॉटल फिल करके रख लेती हूँ। फिर अराउंड मेरा 3 बजे तक का काम हो जाता है, मेरा बेबी लाइक 3 बजे तक ही वो मिल्क जो है वो खत्म कर पाता है, क्योंकि 150 ml मिल्क अभी वो 4 घंटे में पीता है। उसके अलावा फिर 4 बजे तक मैं वापस से पंप कर लेती हूँ, फिर वो 8 बजे तक चल जाता है, फिर 8 बजे फिर पंप कर लेती हूँ, वो 12 बजे तक चल जाता है, फिर 12 बजे मैं उसको वापस से फॉर्मूला दे देती हूँ। तो ये मेरी पूरी साइकिल है ब्रेस्ट पंप यूज करने की। अगर आपको भी ये साइकिल पसंद आई है तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं, मेरे लिए लाइफ बहुत ज्यादा आसान कर दिया है। और रात में जो है, अगर बेबी मेरा उठता है लाइक वो 6 बजे, कई बार मॉर्निंग में उठता है, कभी 5 बजे उठ जाता है, तो मैं डायरेक्टली उसको ब्रेस्ट फीड करा देती हूँ, तो उसमें मुझे कोई इतना प्रॉब्लम नहीं आता, क्योंकि मुझे सुबह की नींद आराम से मिल जाती है। ठीक है, गाइस, तो जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट और सबसे बड़ा मिथ है ब्रेस्ट मिल्क को लेके जो कि हम एक्सप्रेस करते हैं, वो ये है कि उसकी न्यूट्रिशियस वैल्यू कम हो जाती है। ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर हम ब्रेस्ट मिल्क को स्टोर भी करते हैं तो उसकी न्यूट्रिशियस वैल्यू बिल्कुल कम नहीं होती है, ये सब मिथ है। आप इजिली अपने मिल्क को एक्सप्रेस करके स्टोर कर सकते हैं, उसमें कुछ भी उसकी न्यूट्रिशियस वैल्यू कम नहीं होती। मैं प्रॉपर अपने पीडियाट्रिशियन से डिस्कस किया है इस बारे में, उनसे राय ली है, उनसे पूछा है, काफी सारा स्टडी किया है, उसके बाद ही मैं आपको ये बता रही हूँ। आप ब्रेस्ट मिल्क इजिली जो है वो स्टोर कर सकते हैं, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। और अगर आप प्रेफर करते हैं डायरेक्ट ब्रेस्ट फीड करना, मैं किसी तरीके से ये प्रमोट नहीं कर रही हूं कि आपको अगर नीड नहीं है फिर भी आप पम्प कीजिए, जो भी आपको कंफर्टेबल है वो कीजिए, जो आपके आपके बच्चे के लिए अच्छा है वो कीजिए। अगर आपकी कैपेसिटी है, आप रोज ब्रेस्ट फीड करा सकती है पूरे पूरे टाइम, तो डेफिनेटली आप ब्रेस्ट फीड कराइए। और अगर आपको लगता है कि आपको ब्रेस्ट पम्प करना ज्यादा अच्छा लग रहा है, आप नहीं डायरेक्ट पिलाना चाह रही है, तो आप ब्रेस्ट मिल्क को एक्सप्रेस भी कर सकती हैं, और आप मेरे जैसे 50-50 भी कर सकती है, लाइक ओवरनाइट आप इसको ब्रेस्ट फीड कराइए और पूरे दिन जो है वो एक्सप्रेस मिल्क भी पिला सकती हैं। आफ्टर ऑल वो आपका ही दूध है, उसकी कोई न्यूट्रिशियस वैल्यू कम नहीं हो रही, वो अल्टीमेटली ब्रेस्ट मिल्क है, आपको गिल्ट मॉम फील करने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। आप अगर एक्सप्रेस करके भी आपका ब्रेस्ट मिल्क दे रही है तो आपके बच्चे को पूरा न्यूट्रिशन मिल रहा है, कुछ भी उसमें लॉस नहीं होता है। तो आप बिल्कुल किसी को अपने आप को जज मत करने दीजिए, जो आपको अपने लिए और अपने बच्चे के लिए बेटर लगता है, जो कि मैं हर वीडियो में बोलती हूँ, वही कीजिए। Nobody can judge you, आपसे अच्छा आपके बच्चे की हेल्थ को कोई नहीं समझ सकता। और कोई डाउट है तो आपके पीडियाट्रिशियन से आप बेफिक्र जो है वो डिस्कस कर सकती है, मैंने पूरा डिस्कस किया है, उसके बाद ही मैं सब चीजें करती हूँ, जो भी चीजें मैं आपको बताती हूँ पूरा पढ़ के ही बताती हूँ, हर तरीके से प्रॉपर नॉलेज लेके ही बता रही हूँ। एक्चुअली जो मैं कर रही हूँ, मेरे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ, मैं एक्सप्रेस कर रही हूँ, अभी तक इवान को कोई दिक्कत नहीं है, उसका बहुत ही हेल्दी वेट भी है और डॉक्टर चेकअप्स में बिल्कुल वो ठीक है, उसको कोई प्रॉब्लम भी नहीं हो रहा है। तो आप इजिली जो है ब्रेस्ट मिल्क को प्रॉपरली अगर स्टोरेज करें, प्रॉपरली हाइजीन मेंटेन करें, तो ब्रेस्ट मिल्क एक्सप्रेस करके आपके बेबी को इजिली दे सकते हैं। बच्चे का जो पूरा जो खुशी का रास्ता है, हैप्पीनेस का रास्ता है, बच्चा तभी खुश रहता है जब उसका पेट भरा हुआ रहता है और वो आराम से खेलता है। तो मुझे लगता है कि ब्रेस्ट पम्प जो है ये बहुत अच्छा ऑप्शन है आपके लिए, अगर आप इसको सही तरीके से यूज करें, प्रॉपर प्रिकॉशन ले और उसका स्टोरेज प्रॉपर करें, तो बच्चे को भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आप इसकी बॉटल में हाइजीन मेंटेन रखें, क्लीनलीनेस रखें, यू नो बच्चों की हर चीज में हाइजीन और क्लीनलीनेस रखना बहुत जरूरी है, मैं अपने हर वीडियो में यही बताती हूँ और इस वीडियो में भी यही बता रही हूँ, अगर आप हाइजीन और क्लीनलीनेस मेंटेन
ट्रेनिंग करेंगे और कुछ पॉइंट्स जो मैंने आपको बताया उसका ध्यान रखेंगे तो आप इजीली ब्रेस्ट पंप को यूज कर सकते हैं। तो आई होप आज का ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज हिट लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड हेल्प अदर मॉम्स टू। जितना शेयर करेंगे उतना ज्यादा से ज्यादा मॉम्स को हेल्प कर सकेगा, क्योंकि ज्यादातर मॉम को ब्रेस्ट पंप के बारे में पता ही नहीं है, वो लोग यूज नहीं करते हैं। बहुत सारे मिथ्स हैं, डाउट्स हैं। आई होप ये जो डाउट्स हैं मेरे इस वीडियो के बाद आपको काफी सॉल्व हो गए होंगे। तो नाउ मी सागरिका साइनिंग ऑफ, और एंड में यही कहना चाहूंगी, खुद को और अपने परिवार को, अपने छोटे से बच्चे को हार्मफुल रेडिएशन से बचाइए और जल्दी से एनवायरो चिप जो है वो बाय कर लीजिए। शेयर द लिंक इन डिस्क्रिप्शन। सो नाउ मी सागरिका साइनिंग ऑफ, और अगर आपने अभी तक इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो नहीं किया है तो डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।